अश्विनी कुमार श्रीवास्तव। अश्विनी जी, क्या समस्या आपको? समस्या ये है कि नगर पालिका ने ये खनवा दिया है चेयरमैन साहब ने, और यू साहब ने इसको रुकवा दिया है। इन लोग के आपसी सामंजस्य न बैठ पाने के कारण 10 दिन से ये सड़क खनी हुई है, आया दिन एक्सीडेंट और धूल से पूरी दुकानें सबकी पटी हुई हैं। इसी तरह रहे तो यहाँ अगर ये छोड़ दिया गया तो यहाँ के लोग टीबी के मरीज हो जाएंगे। सड़क खनवा दी गई है कि डिवाइडर बनेगा, लेकिन सुनने में आया कि इस पे सीवर लाइन का पानी है, इसलिए यू साहब ने इसको रुकवा दिया है। अब इसकी बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि सीवर लाइन पड़नी है। आपने इस पे किसी विभागीय अधिकारी से बात की? डीओ साहब से हम लोग से फोन पे वार्तालाप हुई थी, बोले कि इसको हम देख रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 8-10 दिन हो गया। वीरेंद्र कुमार पांडे अन्नु, आम घाट का निवासी। प्रकरण तो हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि क्या प्रकरण है। रोड को बहुत तेजी से जेसीबी लगाकर खुदाई हुई, और किस आदेश पर किसके उस पर की बनी बनाई सड़क को खोद कर और 3 घंटे के अंदर फिर इसको फाट दिया गया। अब डिवाइडर बनना था कि शिविर डालना था, क्या था नईयो के और नगर पालिका अध्यक्ष के सामंजस्य नहीं था, क्या था कितनी सड़क को खोद कर बंद कर दिया गया, और इसका कारण या अभी तक कुछ नहीं पता चला क्यों बंद किया। कितने दिन होगा लगभग इसको? अरे लगभग तो लग रहा है कि 10 दिन ऊपर, 10 दिन से ऊपर हो गया है। हिमांशु राय, यही दुकान है हमारी। हिमांशु, हम लोग तो सुबह आए, ये रात में लोग खो दिए थे, और सुबह आए तो फिर उस पर उसी तरह था। आज 10-15 दिन से है। क्या कुछ समस्या हो रही है आप लोगों की? अरे समस्या बहुत है, धूल इतना उड़ रहा है और पूरा मैंने दुकान मैंने धूल से एकदम भर जा रहा है। घटनाएं दुर्घटनाएं तो रोज हो रही है। क्या खराब? अब ये लोग क्या बता रहे हैं? कोई कह रहा है डिवाइडर के लिए, कोई कह रहा है सीवर के लिए। अब ये चेयरमैन साहब या ईओ बता सकते हैं? तो आप लोगों ने पूछा नहीं किसी अधिकारी से? क्या कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है अभी इसमें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।